जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के करीब 4 किलोमीटर दूर कटैया गांव में दबंगों के द्वारा हथियारी के साथ जबरन काटी गई गेहूं की फसल। प्रार्थी के द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कटती रही फसल, नहीं हुई कोई कार्रवाई। बताते चले कि प्रथम पक्षकार प्रार्थी रामचंद्र यादव के द्वारा द्वितीय पक्षकारों विश्वनाथ यादव व आलोक यादव समेत और प्रशासनों पे आरोप लगाते हुए कहा गया कि अंचलाधिकारी व थाना से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसपी, डीएम मधेपुरा व डीआईजी सहरसा को पत्राचार के माध्यम से और फसल लूटपाट घटना के समय मोबाइल फोन के माध्यम से सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को 11 बजे दिन से लेकर करीब शाम 4 बजे तक गुहार लगाई गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आश्वासन और संवेदना के अलावा धैर्य रखने को कहा गया। जोर से बोलिएगा, क्या कैसे घटना हुई? यादव, कौन सा गांव है? ये कटैया गांव है, वार्ड नंबर 4। कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है? सिंहेश्वर थाना क्षेत्र। क्या घटना हो, कैसे घटना हुई? ये कि इसमें जो है हमको और एक हमारा विपक्षी है विश्वनाथ बाबू, उनको जो है जमीन संबंधित विवाद है। इस पर जो है इससे पहले गेहूँ को जोत के गेहूँ बोया गया है अक्टूबर नवम्बर में। उस मामला को लेकर के हम लोग जो है अनुमंडल कार्यालय पहुँचे, एसडीओ साहब के यहाँ आवेदन लगाए। एसडीओ साहब इस ज़मीन को 44 में वंचित कर दिए। 44 वंचित होने के बाद एसडीओ साहब के यहाँ से नोटिस आए हमको भी और हमारे विपक्षी को भी। विपक्षीगण इस नोटिस को तत्काल तो माने, थाना यहाँ पहुँचे। सीओ साहब वहाँ से अमीन भेज के, सरकारी अमीन के द्वारा ज़मीन को पैमाइश करके ज़मीन को अलग कर दिया गया कि इस ज़मीन में 44 है, इसमें 44 नहीं है। अभी तक उस ज़मीन में रुका हुआ था कहानी, लेकिन आज अचानक जो है उस ज़मीन को, जिस ज़मीन में 44 था, उस ज़मीन को एटेंडम विश्वनाथ यादव व अशोक यादव, पेसर खुशीलाल यादव, स्वर्गीय खुशीलाल यादव अपने हसेरियन के साथ एवं और अपने जितना सब बापू है, भतीजा भाई सब के साथ कंपेन से उस गेहूँ को काट रहा है, जो गेहूँ 44 में वंचित था। इसके बाद सवेर से थाना फ़ोन किया जा रहा है, थाना सुनवाई नहीं लेता है। सीओ से फ़ोन करके बात करते हैं, सीओ कहता है हमको फुर्सत नहीं है, एसडीओ से बात करो। एसडीओ से पूछते हैं, एसडीओ कहता है कि इतना हड़बड़ कोई नहीं है, अस्थिर से होगा। जब एसपी से फ़ोन करते हैं तो एसपी